अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको चुंटी और टिड्डे की कहानी सुनाने लगी हूँ। एक चुंटी थी, वो कहीं जा रही थी। रास्ते में एक टिड्डा मिला। टिड्डा कहने लगा, चुंटी बहन जरा रुक जा। चुंटी रुक गई, पूछने लगी क्या बात है। टिड्डे ने कहा, मीठी मीठी हवा चल रही है, आओ बाग में चलें। चुंटी ने कहा, मैं कैसे खेलूं, मुझे दाने इकट्ठे करने हैं। जब बरसात आएगी तो छोटी छोटी चुंटियां क्या खाएंगी। मुझे घर भी ठीक करना है, बरसात के पानी से घर टूट सकता है। टिड्डे ने कहा, हम तो खेलते हैं जी। एक दिन बादल आ गए, बारिश होने लगी। टिड्डा भीगता हुआ आया, चुंटी का दरवाजा खटखटाकर कहने लगा, चुंटी बहन मुझे भी अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, मैं बुरी तरह भीग गया हूँ। जब तक बारिश रहेगी इस वक्त तक यहाँ रहूंगा, फिर चला जाऊंगा। चुंटी बोली, भाई टिड्डे तुमने सारा साल काम नहीं किया, तुमने अपना घर नहीं बनाया, मुश्किल वक्त के लिए कुछ अनाज भी जमा करके नहीं रखा, जाओ मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, जो सुस्ती करे इसकी सजा यही है। टिड्डा गिड़गिड़ाया, चुंटी बहन इस बार माफ कर दो, आगे से मेहनत क्या करूंगा। चुंटी ने टिड्डे को चावल के कुछ दाने दिए, कहने लगी लो खा लो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। टिड्डा रोती शक्ल लिए बाहर चला गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त आने से पहले उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल शऊर अता किया है। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।